शालीन ने शिव और स्टैन की दोस्ती में लाई दरार, तो क्या वाकई बहुत जल्द शालीन की प्लानिंग है कि वो मंडली वालों को तोड़ना चाहते हैं, मंडली वालों की दोस्ती तोड़ना चाहते हैं। आइए जानते हैं कैसे फूट डाल दिया है शालीन ने शिव और स्टैन के बीच। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। सो गाइज, आपको बता दूं कि बिग बॉस 16 से लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो फिलहाल शालीन जो है काफी ज्यादा चालें चलते हुए आ रहे नजर। यहाँ शालीन जो है काफी स्मार्टली एक्ट कर रहे हैं। जब से वो फिनाले में पहुंचे हैं तब से वो स्टैन और शिव को काफी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो शालीन स्टैन को कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि शिव तुमसे ज्यादा डिजर्विंग है बतौर विनर, क्या वो विनर बनने के लिए ज्यादा काबिल है तुमसे? जिस पर स्टैन थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और स्टैन कहते हैं तू ऐसा क्यों कह रहा है। जिस पर शालीन कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था उस दिन कि शिव से ज्यादा डिजर्विंग तुम हो, तुम्हारे पास अच्छे फैन फॉलोअर्स हैं, तुम्हारे पास अच्छे सपोर्टर्स हैं, इस वजह से तुम ज्यादा डिजर्विंग हो। तो यहाँ पर शालीन की बातों से स्टैन जो है वो थोड़े हर्ट हो जाते हैं और स्टैन बातों ही बातों में इमोशनल होकर रोने लगते हैं। स्टैन का मानना है कि यहाँ पर हर कोई उन्हें कम समझता है, जबकि स्टैन काफी डिजर्विंग भी है। अब ऐसे में शालीन जो है वो आग लगाकर यानी कि फूट डालकर दो दोस्तों में वहां से चलते बनते हैं, जिसके बाद स्टैन जाकर शिव से बाद में बातें करते हुए नजर आते हैं, जहाँ स्टैन फूट फूट कर रोते हुए ये कहते हैं कि यार लोग मुझे ऐसा क्यों समझते हैं कि मैंने गेम में कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ तक अपने फैंस और फॉलोअर्स की वजह से पहुँचा हूँ। तो यहाँ पर फाइनली शिव के सामने अपने दुखड़े रोते हुए नजर आ रहे हैं स्टैन। उनका कहना है कि लोगों का मानना है कि स्टैन ने बिग बॉस के गेम में कुछ नहीं किया है, यहाँ बलबूते वो सिर्फ फैंस के बलबूते पहुँच पाए हैं, फैंस ने उन्हें इतना इमेंस लव और सपोर्ट दिया है जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो उनमें कोई क्वालिटीज़ ऐसी नहीं है जो वो यहाँ तक डिजर्व भी करते। तो बेसिकली आप बताएं कि शालीन ने जो ये आग में घी डाली है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? या वाकई शालीन की बातों से स्टैन और शिव की दोस्ती में आ जाएगी दरार? क्या आपको लगता है स्टैन और शिव में से शिव ज्यादा कैपेबल है, डिजर्विंग है विनर बनने के तौर पर या फिर स्टैन? अपने रिएक्शंस बताएं कमेंट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।